हाय दोस्तों, आज जिस पिक्चर की मैं स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ आपको 5 मिनट के अंदर, वो पिक्चर का नाम है तानाजी। दोस्तों तानाजी की जो मेन लीड रोल के अंदर है वो है अपना अजय देवगन, काजोल और सैफ अली खान। पिक्चर जो स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है अजय देवगन के जो बचपन के रोल से होती है। उसके फादर उसे समझाते हैं, वो एक वॉर के लिए जा रहे होते हैं और बताते हैं भैया ये जा रहा, वो कहता है मैं भी आपके साथ चलता हूँ, कह रहा नहीं तुम यहीं बैठो। और उसके जो फादर उसको एक चीज़ और समझाते हैं कि जो अपना लड़का है जो अपनी तलवार खुद अपने हाथ से बनाता है उसको उसने अपनी तलवार में उतना ही कॉन्फिडेंस होता है। तो अजय देवगन अपनी बचपन ही अपनी तलवार बनाना सीख जाता है और अपने फादर से लड़ाई करना सीख रहा होता है। जब वो वार होती है तो उसके फादर की वहाँ पे बहुत ज़्यादा घायल हो जाते हैं। अजय देवगन जब बचपन में वहाँ जाता है तो उसके फादर उसको अपने हाथ का कड़ा डालकर उसके कड़े में डाल देते हैं और कहते हैं मैं तेरे को भाई अपनी विरासत के अंदर एक आज़ादी देके जा रहा हूँ कि तूने अपनी भूमि को आज़ाद करना है। यहाँ पर अजय देवगन दिखाते हैं कि बड़ा हो जाता है और अजय देवगन एक पूरे गाँव के इलाके का सरदार होता है। तो उसको एक लड़ाई का मौका मिलता है जहाँ पर जो अपने मुगल होते हैं उनसे लड़ने के लिए। ये जो लड़ाई करता है दोस्तों बहुत बढ़िया और बहुत प्लानिंग के साथ करता है। जो पहाड़ों के बीच में रस्सी बांधी होती है वहाँ से पूरे ट्रैक से जाता है और पूरा 3D इफेक्ट्स इस पिक्चर के अंदर है, सुपर डुपर जिसे कहते हैं। मैंने आज की डेट में ऐसी हिंदी पिक्चर में 3D इफेक्ट्स कभी नहीं देखे जितने इसमें बढ़िया थे। और इस फाइट को बहुत अच्छे करता है और अजय देवगन इस फाइट को जीत लेता है। और दूसरी साइड सैफ अली खान जो इस पिक्चर में विलन बना हुआ है वो मुगल राजा का दिल जीतता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि जो मुगल राजा वो उसको एक पूरा इलाका गढ़ दे देता है, भी ये गढ़ तेरा होगा आज से, वहाँ पे जाके संभाल और आगे उसे करके और पूरे दक्षिण के अंदर अपनी वर्चस्व संभाल और जीत जाके लड़ाइयों को वहाँ पे। तो उसके साथ में एक तोप भी देता है, तोप का नाम होता है नागिन। उस तोप को लेके सैफ अली खान वहाँ से चल पड़ता है। इतने में यहाँ पे शिवाजी जी को पता लगता है कि वो वहाँ से मुगल ने अपना सेनापति भेजा है तो वो एक बहुत बड़ी तोप लेके आ रहा है। उस तोप से वो पूरे इलाके में राज कर सकता है और सबके किलों पे वार कर सकता है। तो यहाँ पे दूसरे दिखाते हैं कि जो अपना अजय देवगन होता है इसके अपने बेटे की शादी होती है, जो छोटा बेटा होता है, तो वो तैयारी कर रहा था शादी की। शिवाजी बोलते हैं भी मैं अजय देवगन को नहीं बोल सकता क्योंकि वो उसके बेटे की शादी की तैयारी कर रहा है, बहुत दिनों बाद उसकी खुशी का त्यौहार आ रहा है उसके घर में, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ। अजय देवगन अपने बेटे की शादी का न्यौता लेके शिवाजी के पास जाता है तो उसे वहाँ पता लगता है भी ऐसे ऐसे यहाँ पे भी ये जो है वो मुगल ने अपने सेनापति भेजा जिसको वार करने वाला है इसके ऊपर। तो वो कहता है शिवाजी से बोलता है कि भैया ये ऐसा क्यों, जब मैं हर चीज़ करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूँ, हर बारी लड़ाऊँ, ये कर रहा हूँ, तो मुझे इससे क्यों बाहर रखा जा रहा है, इस पर विजय भी मैं ही करूँगा। तो हार के शिवाजी कहते हैं ठीक है तुम जाओ और इसको विजय करके आओ। वो पूरा फिर वैसे ही अपना जैसे दिखाते हैं पहले लड़ाई कि पहाड़ों के बीच में से पूरी रस्सियाँ बांध देता है, लड़ने के लिए तैयार रहता है। तो वहाँ पर सैफ अली खान इन्हीं का एक जो सेनापति होता है वो का जो वर्कर होता है वो वहाँ जाकर उसको बता देता है कि भाई ऐसे थे तेरे लिए वहाँ पर संभाल के बैठे हुए हैं, तू संभल के जाइए वहाँ से। तो वहाँ पे सैफ अली खान एक क्या करता है, बहुत बड़ा नारियल पेड़ को कटवा देता है, उसको तोप बना के वहाँ से भेज देता है उन्हीं के बंदे को भेज के। यहाँ से अजय देवगन उन पर अटैक कर देता है। बाद में पता लगता है अजय देवगन को उन्हीं सैनिकों में से कि भाई ये तो सिर्फ एक नारियल का पेड़ है और जो सैनिक भी है वो भी मराठा से ही है, वो मुगल नहीं है। तो यहाँ पे सैफ अली खान जो अजय देवगन को मुँह की खानी पड़ती है हमें पहली बार। तो दोस्तों इंटरवल के बाद सैफ जो अजय देवगन है वो अपनी सेना को कहता है तुम यहाँ से सारे वापस चल लो, मैं अकेला यहीं पर रहूँगा। तो वहाँ पे सैफ अली खान भी अपने किले में पहुँच चुका होता है, वहाँ पे तोप को तैनात कर देता है और तोप को कहता है इसको आग लगा दो। तो तोप के मुड़ के भी किले शिवाजी की साइड पे किले की साइड पे इसको चला दो। जैसे ही आग लगाते हैं आग बढ़ती रहती एंड में थोड़ी सी रहती है, वहाँ पे जो सैफ अली खान आग को बुझा देता है, कहता है अब शिवाजी मेरी मुट्ठी में है, मीन्स एक मुट्ठी के ऊपर उसकी सिर्फ सुल्तनी रह जाती है आग लगने के लिए, वहाँ उसे बंद कर देता है। यहाँ पे अजय देवगन घूमता रहता है उस किले के आसपास कि मैं कैसे एंटर करूँ। उसे एक बार बाबा मिलता है जो अंधा आता है, वो बताता है भी ऐसे थे एक अंदर जाने का रास्ता है पर बाहर निकलने का रास्ता वहाँ ऊपर टॉप पे अंदर एक पीपल का पेड़ है उसके बीच में रास्ता है, वो निकलता है वो मुझे नहीं पता। अजय देवगन वहाँ किसी ना किसी तरह गाने गाता है और करके वहाँ पहुँच जाता है। सैफ अली खान को पता लग जाता है अजय देवगन वही है जो मेरे पे अटैक कर रहा था, वो उसको वहाँ पे बंदी बना लेता है। अजय देवगन सैफ अली खान एक लड़की उठा के लाया होता है राजा की जो उससे प्यार करता होता है, पर वो शादी हो जाती है पर उस पर अटैक करके उसके पति को मार देता है। तो उसका भाई भी सैफ अली खान के साथ ही सेना में होता है, तब उसका भाई अजय देवगन की हेल्प करता है उसको वहाँ से भगवाने के चक्कर में। अजय देवगन उसी खुफिया रास्ते भागता है और उसको पता रहता है ये रास्ता कहाँ जाता है और वो अपने लौट के अपने गांव आ जाता है। वहाँ से सेना दोबारा तैयार करता है और फिर पूरे लेके उस पर सैफ अली खान के किले पर अटैक करने की पूरी तैयारी कर लेता है। अब यहाँ पर अजय देवगन प्लानिंग बहुत बढ़िया करता है, पूरे अलग ले जाता है। सैफ अली खान एक तरह से पूरा भी हर जगह से हार चुका होता है, एंड में सैफ अली खान ऑर्डर देता है भी उसी तोप को दोबारा जो नागिन तोप है उसको आग लगा दो। आग लगा देता है, जैसी आग बढ़ती रहती थी और दूसरे से अजय देवगन आ रहा था लड़ाई करके घोड़े पे जा रहा था। अजय देवगन का ध्यान होता है कि मैं उस लड़ी को बुझा दूँ
और सैफ अली खान का होता है कि उसके भी वो बजा ना पाए। अजय देवगन अपने घोड़े पर जैसे करता है तो वो अपनी तलवार से ऐसे काटता है कि वो जो ऊपर जल रही होती है बम के ऊपर सुतली होती है वो कट जाती है। बट सैफ अली का अगर ध्यान उसे पूरे हाथ पे होता है, वो उसके हाथ पे कृपान मारता है, उसका हाथ कट जाता है अजय देवगन का। एंड में अजय देवगन तब भी लड़ता रहता है हाथ कटने के बाद भी। उसके बाद वो सैफ अली खान को पूरे बांध बांध के तोप के साथ धक्का मारे, तोप के साथ ही नीचे गिर देता है। और अजय देवगन भी यहाँ पे अपने देश का झंडा गाड़ देता है। यहाँ पर शिवाजी भी पहुँच जाते हैं तो शिवाजी वहाँ पर उनको देखते हैं कि भाई अपना अजय देवगन भी वहाँ पर अजय देवगन की डेथ हो जाती है और वो अपने उसके वादे मुताबिक उसके बेटे की शादी में जाते हैं और वहाँ बड़े बेटे से शादी बहुत धूमधूम से करते हैं। और यहाँ पर जो तानाजी का डेथ हो जाती है और तानाजी का यहाँ पर स्टोरी ख़त्म हो जाती है। बट दोस्तों इस पिक्चर की जिसे कहते हैं 3D इफेक्ट्स, एक्शंस, सबकी एक्टिंग सुपर है, बहुत बढ़िया है। अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो इस पिक्चर को 4.5 स्टार देता हूँ मैं।